अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो चैप्टर 13 है रेन एंड मार्टिन की बुक का, विच इज़ करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। हम लोगों ने बात करनी है इस वीडियो के अंदर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बोलते हैं ना, तो ये क्या इसमें फ़र्क आता है और द, यानी कि आर्टिकल लगा देने से ही, ठीक है। आर्टिकल क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं ओवरव्यू दे दूँ, आर्टिकल कहते हैं यूज़ ऑफ अ, एन और द, ठीक है। आ का, एन का और द का यूज़ हम कैसे करते हैं, किन के साथ करते हैं, उनको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम बात करें इस लेक्चर के अंदर कि अ लिटिल और द लगा देने से क्या बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा भी मौजूद होना, ठीक है। और अ लिटिल का मतलब होता है सम, दो नॉट मच, यानी कि कुछ तो है लेकिन इतना नहीं, कुछ तो है। और द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब जितना है उतना ही है। तो लिटिल मतलब थोड़ा सा, अ लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल मतलब जितनी है थोड़ी सी है और बस उतनी ही है, ठीक है, ये होता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि लिटिल इज यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल अमाउंट और साइज ऑफ समथिंग। इट इज ऑफन यूज विद uncountable nouns. For example, you might say, I have little money, there is little sugar in this recipe, there is little milk in the jug, ठीक है। अनकाउंटेबल, जिनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग लिटिल लगाते हैं। और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, नॉट मच, स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल साइज है किसी चीज़ का। जैसा कि देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर, मतलब इसका मतलब यही है कि लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद है, वो रिकवर नहीं हो रहा अभी। और लिटिल जो है इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव कोनोटेशन देना किसी भी सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव मीनिंग बताना किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसके लिए हम लोग लिटिल लगाते हैं। यानी कहते हैं देर इज़ लिटिल होप, नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, यानी कि उसने कोई अच्छा कंसर्न नहीं दिखाया, थोड़ा सा ही कंसर्न दिखाया अपने नेफ्यू के लिए। He has little influence with his old followers, ठीक है। अब लिटिल यानी कि थोड़ा सा influence है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। He showed little mercy to the prisoner, अब यहाँ पे little mercy यानी कि थोड़ी सी ही दिखाई, कोई ज़्यादा नहीं दिखाई, मतलब negative connotation यहाँ पे आ रही है। He showed little mercy, मैंने बता दिया आपको। He has little appreciation for good poetry, little appreciation यानी कि अच्छी poetry के लिए कोई ज़्यादा appreciation नहीं रखता, नेगेटिव कोनोटेशन में जाता है लिटिल का वर्ड, नॉट मच, लिटिल का वर्ड जो है वो नेगेटिव कोनोटेशन में जाता है, यानी कि ज़्यादा कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, ज़्यादा कोई अच्छा वो है नहीं है रेपुटेशन उस चीज़ की। लेकिन अ लिटिल कुछ, सम दो नॉट मच, इसके अंदर अ लिटिल जो है ना इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है, लिटिल का मीनिंग होता है नेगेटिव और अ लिटिल का मीनिंग होता है पॉजिटिव, यानी कि देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। अब ये पॉजिटिव कोनोटेशन दी जा रही है यहाँ पे, यानी कि वो रिकवर हो सकता है, ही मे पॉसिबली रिकवर, वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ ना देर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, यानी कि वो रिकवर नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस है। जब मैं कहती हूँ देर इज अ लिटिल होप, मैंने यहाँ पे आ बोल दिया ना, इसका मतलब है कि हाँ चांसेस है वो रिकवर हो सकता है, होप है, अच्छी होप है। और इसके अलावा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है कि अगर थोड़ा सा नॉलेज रखा जाए तो वो चीज़ खतरनाक होती है। यहाँ पे भी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव टर्न बता दिया गया, पूरी पूरी बात की गई है, फुल ट्रूथफुल बात की गई है। तो अ लिटिल इज़ यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल अमाउंट और साइज ऑफ समथिंग, बट इट इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स इन मोर एम्पथेटिक और एम्फेटिक और कंट्रास्टिव वे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट से आई हैव अ लिटिल मनी बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू कार, देर इज अ लिटिल शुगर इन द रेसिपी बट नॉट इनफ टू मेक इट स्वीट, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंट्रास्टिव वे कंपेरिजन करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, लेकिन इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, इम्फेटिक यानी कि जोर दिया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट आपने ये वाला याद रखना है, लेकिन जो मैंने ईजी और मॉडिफाई करके बताया कि लिटिल मतलब थोड़ा सा और अ लिटिल मतलब
कि हाँ कुछ तो है, सम तो नॉट मच, कुछ तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। कितना ज्यादा नहीं है कि हम उससे चीज को मीठा बना सकें, ठीक है, कुछ तो है लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग उसको कंपैरिजन करके बता रही हूँ ना कि चीनी कुछ तो है लेकिन इतनी नहीं है कि हम उसको रेसिपी को मीठा बना सकें, और हमारे पास कुछ तो पैसे हैं लेकिन इतने नहीं है कि कार खरीद सकें, लिटिल बट नॉट मच। अब द लिटिल का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी लेकिन बस वही, नॉट मच बट ऑल देयर इज, कि इतना नहीं लेकिन जो है वो है। द लिटिल जो है इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, कि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है और इतनी रिलायबल नहीं है, ठीक है। द लिटिल इज यूज टू रेफर अ स्पेसिफिक स्मॉल थिंग और अमाउंट, स्पेसिफिक मतलब कि हाँ ये फिक्स्ड है, और लिटिल के अंदर कोई फिक्स नहीं थी, लिटिल के अंदर कोई फिक्स नहीं थी, यहाँ पे फिक्सिटी है कि हाँ इतनी है। द मीन स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास मौजूद है, स्पेशली द दैट हैज बीन प्रीवियसली मैंशनड और इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई डॉटर, यहाँ पे एक स्पेसिफिकलिटी है। द लिटिल फूड आई हैड लेफ्ट वॉज स्टेल, ठीक है, स्पेसिफिकलिटी यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मैंशन की हुई है। तो ये हो गया, पता लग गया आपको कि थोड़ी सी है बस वही है, द लिटिल होता है, लिटिल मतलब थोड़ा सा, नॉट मच हम इसको ज़्यादातर नेगेटिव मीनिंग में यूज़ करते हैं, और अ लिटिल मतलब कि कुछ है और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या कंट्रास्टिव वे में कोई सेंटेंस बताना हो तो तब हम यूज़ करते हैं। अब इस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, फ्यू मतलब वही चीज़ कि हमारे पास, फ्यू मतलब नॉट मैनी, हार्डली एनी, फ्यू हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, फ्यू का नेगेटिव मीनिंग होता है, अ फ्यू का पॉजिटिव मीनिंग होता है, और द फ्यू मतलब जितना भी है बस उतना ही है, जैसे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में था। और फ्यू मतलब होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी, और इसके अलावा द अ फ्यू मतलब कुछ, सम, कुछ अमाउंट मौजूद है, ठीक है, और इतनी अमाउंट तो है कि कुछ ना होने के मुकाबले हो, यानी कि हम कहते नहीं कि कुछ भी नहीं है, उस कुछ भी नहीं होने से मुकाबले में कुछ तो मौजूद है ना, सम तो मौजूद है ना, ये अपोजिट होता है नन का, ये अपोज्ड होता है नन का, कुछ भी ना होने का अपोज्ड होता है ये। और द फ्यू क्या होता है, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, इतना नहीं है लेकिन जितना है उतना है, ये द फ्यू का रोल होता है। अब फ्यू इज यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, इट इज ऑफन यूज विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, देर आर फ्यू पीपल इन द रूम, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ज्यादा ना होना, कुछ कुछ होना, हार्डली एनी, बहुत ही मुश्किल से बहुत चीजों का मौजूद होना, ठीक है। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, बहुत ही मुश्किल होगा, रेयर ही होगा कि चांसेस होंगे यहाँ पे इंडिया के लाइब्रेरी के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरीज हों। या फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, बड़ी रेयर चांस है। Few men reach the age of 100 years, बहुत rare chance कि जिसका बहुत ही rare, बहुत ही कम chance हो, ना ही होने के बराबर हो। और इसके बाद a few is used to indicate a small number of something, but it is used with countable nouns in more emphatic or contrastive way. For example, हम कह सकते हैं I have a few friends, but I do not see them often, कि बहुत ही कम है, मैंने इनको भी कभी देखा नहीं है। या a few words spoken in Eastern will convince him, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस दी जा रही है कि ना होने के मुकाबले में तो कुछ तो है ना, कि ना होने के मुकाबले में कुछ तो है। अ फ्यू पार्ट्स इज राइट गुजराती करेक्टली, कि ना होने के मुकाबले में कुछ तो है, ठीक है, कुछ कुछ की बात की जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे जैसे कि अ लिटिल का रोल था। आगे है देर आर फ्यू पीपल इन द रूम बट नॉट मैनी, इतने नहीं है कुछ है, ठीक है। अब द फ्यू क्या है, स्पेसिफिक स्मॉल नंबर और थिंग्स और पीपल, especially ones that have been previously mentioned or are known to both the speaker and the listener. For example, हम कह सकते हैं the few people who stood up for what they believed in the were praised, or the few books I had left were all by my favorite. कि the few में कर रहे हैं हम लोग कि इतने नहीं है लेकिन जितने हैं but all there are, ठीक है, सिर्फ इतने ही हैं, जैसे कि द लिटिल का रोल था बिल्कुल वैसे ही, लेकिन लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते थे और फ्यू हम लोग काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके, जैसे कि दूध हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, इनको हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि किताबें हो गए, लोग हो गए, ठीक है, और कोई भी जगह हो गई, उसमें हम लोग किस चीज़ों को गिन सकते हैं, उनको हम लोग काउंटेबल कहते हैं, ठीक है।
अब कुछ एग्जांपल्स देखें स्क्रीन के ऊपर. देर इज लिटिल होप फॉर द पीस इन द रीजन. अब ये लाइन इंडिकेट करी कि होप नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि लिटिल लगाया, अलिटल नहीं लगाया. लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव कंटेंशन, कि कोई उम्मीद की चांस ही नहीं है. आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेयर सो आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे हाँ कि मैं कुछ टाइम तो निकाल सकता हूँ, आ लग गया तो मतलब थोड़ी सी हम कह सकते हैं होप है, ऑप्टिमिस्टिक सेंस जा रही है. द गर्ल द लिटिल गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई कजन. फिर उसके बाद स्पेसिफिकलिटी आ गई यहाँ पे कि छोटी सी जो लड़की है ना, जितनी भी उसकी जो छोटी सी है, थोड़ी सी है, लेकिन वही है और वो मेरी क्या कजन है. फ्यू पीपल आर विलिंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन. अब यहाँ पे फ्यू पीपल जो है यहाँ पे रेफर करा कि बिल्कुल नेगेटिव कंडीशन के चांस ही कोई नहीं है. और आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स बट आई डू नॉट सी देम ऑफन. अब द फ्यू हु सर्वाइव द शिपरैक वर रेस्क्यूड बाय अ पासिंग शिप. अब यहाँ पे द फ्यू बता रहे नॉट मैनी, बट जितने भी हैं उतने बचा लिए गए हैं. और आ फ्यू इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे कि ना होने से कुछ तो होना मौजूद है यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू. ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इनको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और इनके बारे में प्रॉपर क्वेश्चन भी आता है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है. आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल्स आ एन और द कौन से होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, सो ऑन. ठीक है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआ में खास याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर.